Pay attention to the drums. हाँ जी यार, गुड मॉर्निंग। आज हमारा दिन आ गया है फाइनली जाने का त्रोल तुंगा। तो त्रोल तुंगा एक पहाड़ है। त्रोल मतलब यहाँ के जो लोक कथाएं हैं उनमें माना जाता है कि त्रोल एक कोई जैसे अपना येती होता है हिमाचल में, हिमालयस में, तो वैसा ही यहाँ पे त्रोल बोलते हैं कि कोई है मतलब ऊपर। और ऊपर एक ऐसा पहाड़ जो लगता है जैसे कि टंग हो उसकी, तो त्रोल तुंगा, तुंगा मतलब टंग। तो शुरुआत हो रही है दिन की हेल्दी ब्रेकफास्ट से, पाजी मेकिंग श्योर कि हम ये ट्रैक कर पाए आराम से। सुबह के बजे 6:15, और यहाँ पर सीन क्या है कि हम थोड़ा सा दूर है पार्किंग से, जो हमारी गाड़ी है थोड़ी लंबी है तो वो ऊपर तक नहीं जाएगी। अभी 3 पार्किंग है, उनको समझाऊंगा पूरी कहानी क्या है, कैसे जाना है। स्टे ट्यून्ड। तो यार वहाँ से देखिए कैंपिंग ग्राउंड से तो हम अपनी इस बड़े से मोटर होम में आए हैं, लेकिन ऊपर जाना इसका अलाउड नहीं है क्योंकि ये 4.5 meters है, नहीं ये 7 meters है, और 4.5 meters तक ही गाड़ी ऊपर जा सकती है क्योंकि सड़कें तंग है थोड़ी। तो अभी हम यहाँ पे जो P1 है पार्किंग वहाँ पार्क कर देंगे, उसका किराया है 300 NOK। और फिर हमने बस बुक करी, बताओ आपको वहाँ पे टाइम टेबल भी है बस का, तो वो बस हमने बुक कर ली है और उस बस से ही हम आगे जाएंगे अगली वाली पार्किंग तक। तो बस यहीं पे ही है वो पार्किंग लॉट आ गया। ये देखो ये हमारा पार्किंग लॉट आ गया। रोक लो आंधा पे। तो ये हमारा पार्किंग स्पेस है। देखिए जब पार्क करनी होती गाड़ी तो हम ये कर्टन्स लगा देते हैं, इसके अंदर पूरी बंद कर दी हमने, ठीक है। ये देखिए नज़ारे, यहाँ पे ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, और इधर जाके हम अभी दिखाते हैं आपको कि बस कहाँ से मिलती है और कैसे बुक करनी है। इस पार्किंग लॉट का चार्जेस हैं 300 NOK एक दिन का, तो उसकी टिकट भी लेनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह भी हैं, फैसिलिटी सारी है। लेकिन यहाँ पे अब रात को कैंप नहीं कर सकते, अब रात को यहाँ पे नहीं सो सकते, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी हम उन अंकल से पूछते हैं, वो सही बता रहे थे पहले भी। यहाँ पे कहीं मैप होगा, रुको दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी हम यहाँ पे हैं, ये अगला वाला पार्किंग स्पॉट है और ये सबसे ऊपर वाला पार्किंग स्पॉट है। तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक ही बस लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ही बस लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, what time is the bus coming here? 8 o'clock. So we have booked the bus which is like 7:30 from Kisagar bus stop. Okay. Yeah, this one. So here it comes at 8. 7:30 here. Yeah. Okay. 7:30. And then from P2 to P3 there are regular buses or we need to book it? P2 to P3 Shuttle buses. Every 30 minutes. Every 30 minutes. Yeah. Okay. What kind of boots? Yeah. Waterproof winter. I know. You walk on snow. I know. Actually, you know, like I forgot my hiking shoes, and you then can rent some hiking shoes there. Under the shop. Okay. That's a good advice. Yeah, because I was like we tried to buy it, but the shops were closed. Yes, on Sunday. And one more thing, you have displayed that you cannot sleep here. So like we can't park our camper van here. You can't sleep. तो ये देखिए यहाँ पे टॉयलेट्स दिखाता हूँ मैं आपको, फ्री हैं क्योंकि पार्किंग का हमने दे दिया है। अगर मतलब पार्किंग आप नहीं भी करोगे अब यू कैन यूज़ द टॉयलेट्स फ्री हैं। कितने साफ उतरे, नाइस। चीले में मतलब बहुत महंगा था मेरे ख्याल से, नॉर्वे इज़ बेटर देन चीले। तो ये देखो ये बस आ गई हमारी, और इसकी टिकट हमने ऑनलाइन ले ली थी। अच्छा यार इसका सीन ये है कि रिटर्न टिकट 200 NOK की है, मतलब कि 1,500 रुपये लगा लो आप आने की और जाने की। तो ये देखो यार ये एक पार्किंग है, यहाँ ये दुकान है, बहुत महंगा महंगा सामान है, 35 यूरो का किराए के जूते दे रहे हैं। मेरे पास स्पोर्ट्स शू में लेके नहीं आया, इसमें 35 यूरो तो नहीं दूंगा यार मैं किराए के। नहीं आज व्यू भी नहीं आएगा, मन नहीं कर रहा है। 35 यूरो किराए दे क्यों दूंगा यार मैं। तो ऊपर है वहाँ से दूसरी बस लेंगे हम, इससे आगे वहाँ जाके मिलेगी। भाजी वो बस खड़ी है, अपने भाजी की थे। तो ये देखो
P3 का रास्ता जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे जाती है छोटी वाली जो खड़ी है ना, वो वैन सी, वो जाती है हर आधे घंटे में, उसकी टिकट जाके पूछते हैं, वहाँ पे मिल रही है, एक काउंटर है। वाटरफॉल चेक करो आप यार। आज फील हो रहा है कि नॉर्वे आए हैं, क्योंकि इसकी जो टिकट है ऊपर जाने की वो 150 नॉक है। तो है भाजी, मैं कह रहा था आज फील हो रहा है कि नॉर्वे आए हैं। सही गलत तो कर रहे हैं, आज ठा पैसे जा रहे हैं। इसकी टिकट है 150 नॉक। 150 नॉक कितने हो गए रुपए थे? 7,000 रुपया हो गया। 1,000 मतलब ऊपर जाने का 1,000, नीचे आने का फिर 1,000। तो आज के आज मेरे ख्याल से 5,000-6,000 खर्चे जाने हमारे। 5,000 चलो बताते हैं कैसा है, वर्थ है कि नहीं है। आई होप सो कि वर्थ हो भाई, वही जाना है ऊपर। भाई रू बड़ी मुश्किल कह के स्वेटर पाया। मेरा कार्ड ले ला। ये देखो यार, यहाँ पे हमें उतार दिया बस ने। यहाँ से हाइक शुरू होती है ट्रोल टूंगा 10 किलोमीटर, और काफ़ी मज़े आने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी मज़े आने वाले हैं, बिकॉज मेरे साथ है 2 एमेच्योर्स। ओ भाजी था बिल्कुल ही जीन जून पा के आए थे। काफ़ी मज़े आने वाले हैं आज के हाइक में, देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो यार इसको अगर हम कंपेयर करें अपना टोरेस डेल पाइने, इसका एलिवेशन बहुत ही कम है, हम सिर्फ 800 मीटर ही गेन करेंगे और 10 किलोमीटर चलना है, तो काफ़ी फ्लैट सा होगा। और लैंडस्केप सिमिलर, बट मेरे ख्याल से चीले वाला उसमें क्या था, एंट्रेंस फीस थी बहुत ज़्यादा, इसमें वो नहीं है, लेकिन बसें वसें तो खर्चा उतना ही आ जाएगा, 5,000 रुपये। बाकी थोड़े से लोग जा रहे हैं वहाँ पे। मुझे ये वो हो रहा है कि पता नहीं आगे बर्फ़ होगी नहीं होगी, मैं अपने हाइकिंग शूज़ लेके नहीं आया हूँ और मैंने किराए पे लिए नहीं है यहाँ पे, सो लेट्स सी। थोड़ी बहुत बर्फ़ है ऊपर, ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से काम चल जाएगा, बाकी पता नहीं भाई, किस्मत ख़राब होगी तो। यार देखो, विदेशों में जितने भी हाइक्स होते हैं वो प्रॉपर ये डंडे लगा रखे रखे हैं, अगर मतलब बर्फ़ भी पड़ जाए इतनी इतनी तो भी आपको रास्ता पूरा दे, वो आगे भी डंडा है, तो काफ़ी प्रिकॉशन लेते हैं ये लोग। अपने इंडिया में तो कुछ नहीं होता, पर जी हमारे ना इंडिया में एक मैं ट्रैक कर रहा था, एक गोरा था भावा पास में, वो ऊपर ज़्यादा स्नो थी तो उसको स्नो ब्लाइंडनेस हो गई, तो वो नीचे आया ऐसे रोता होता कि हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। मैंने कहा भाई ये इंडिया है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं आता, वो खच्चर है, खच्चर पे जा नीचे। तो मतलब यहाँ पे वही सीन है कि काफ़ी प्रिकॉशन और काफ़ी सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाएगा कुछ होगा दिक्कत आपको, तो हमारा थोड़ा सा ऐसे ही है। बट मेरे ख्याल से मेरे को पसंद वो है रॉ, कि मतलब रॉ हो ऐसे ऑर्गेनाइज, मेरे को नहीं अच्छा लगता। अभी ये जो है ना, जब ये जो ज्यादा हो जाएगी फिर ऐसा ही होगा, भी हेलीकॉप्टर है यहाँ पे इस राइड पे। एज और पैसे, मैंने तो जूते लेने में लगी, हेलीकॉप्टर कहाँ से लूंगा मैं। तो अभी तक तो रास्ता प्लेन ही था, यही थोड़ी चढ़ाई शुरू हुई है और गर्मी लगी हमें, हमने अपनी अपनी स्वेटरें ला ली हैं, उतार ली हैं, और वो देखिए ऊपर जाना है वहाँ, तो काफ़ी चढ़ाई ही चढ़ाई है, ये पार करना है इसको पूरा। पहले मेरे पास जूते नहीं थे, और अभी मैंने अपनी जो मेरी नीली गॉगल्स जो मैं पहन रहा हूँ पिछले 3 महीने से, वो टांग रखी थी यहाँ पे, वो भी गिर गई कहीं पे, तो अभी शेड्स भी नहीं है, तो अब दो चीज़ें कम हो गई प्रॉपर गियर से। और ये जाएंगे ऊपर और फिर इसको क्रॉस करना है पीछे। तो लो जी, आ ही गई बर्फ़ है आखिरकार, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये चलेगा नहीं, अपना निकल जाएंगे इस पर आराम से। उसके बाद आगे फिर बर्फ़ नहीं, तो थोड़ा सा ही पैच है ये 5 मिनट का। हाँ बिल्कुल, होर नहीं कुछ, मतलब चलो चलो।
तो जैसे हमारे होता है ना, कहीं चले जाओ शिमला, मनाली, गुलमर्ग, वहाँ पे लोग बोलते हैं अरे ऊपर बहुत बर्फ है, जूते ले जाओ। वही अंकल ने यहाँ पे किया कि ऊपर बहुत बर्फ है, मुझे बोल रहा आधे रास्ते बर्फ है, मुझे बोल रहा आधे रास्ते बर्फ है। मैं कहा आधे रास्ते, अच्छा ठीक है। फिर जब मैं लेने का जूते में देखा 35 यूरो किराए के, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए। तो देखो कुछ भी सीन नहीं है, बस पहुंच गए ऊपर। तो ये तो हम निकल आए, पाँच मिनट ही लगे, लेकिन आगे वैसे सही पैच है, लेकिन हमारे जूते अभी भी गीले नहीं हुए, पानी नहीं गया अंदर, सो ऑल गुड। Pay attention to the drums. तो अभी काफ़ी चल के आए हैं, फ्लैट ही फ्लैट। मेरे ख्याल से जो ज़्यादा हमने चढ़ाई वो चढ़ ली है, यहीं कहीं आगे जाके जीव निकाली होगी उसकी, है ना, ट्रोल टूंगा ये पे होगा। तो यार अपना अभी तक मेरे ख्याल से 25% हुआ है और टाइम हो गया है 10 बज गए, तो काफ़ी टाइम हो गया। मेरे ख्याल से 1.5 घंटा का चलते हमें, मेरे ख्याल से चढ़ाई जो हमने कर ली है तो आगे इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेट्स सी, चलते हैं आगे। यार वो दिख रहा है रास्ता आगे, वो पता नहीं कहाँ जाएगा, वो आगे ट्रेल है। हाँ पाजी वो देखो ये रास्ता गया, फिर इसको पहाड़ी को क्रॉस कर लेना हमें। तो रास्ते में ऐसे छोटे छोटे बने हुए हैं रेस्ट हाउस से, कमरे से, मेरे ख्याल से खुला होना चाहिए ये, कि अगर आप फंस जाओ यहाँ पे तो इसमें जाके सो जाओ। ये देखो यार यहाँ पे ऐसे कैबिन्स बने होते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए तो शायद खुले ही होंगे। देखिए तो आप अंदर, यहाँ फर्स्ट एड होगी, सब कुछ होगा, बेड है, गर्म रहेगा ये यहाँ पे। यार मोस्टली फ्लैट ही है रास्ता, कहीं कहीं आती है बीच में थोड़ी सी चढ़ाई, लेकिन जैसे अपने इंडिया में होता है कि क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, यहाँ पर वैसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी सीन नहीं है ऑक्सीजन का। मेरे ख्याल से हम 2000 मीटर भी नहीं है हाइट टोटल हमारी, और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही ऐसी की सांस लेने में। मेरे को दिक्कत हो रही है एक्चुअली मेरी आँखों में, क्योंकि शेड्स गिर गए और पीछे बर्फ है काफ़ी सारी, तो धूप थोड़ी वो दिक्कत हो रही है बस, बाकी सब मजे में। ये देखिए सामने नज़ारा, तो अभी काफी सुंदर सी लेक दिखी हमें एक, काफी सुंदर। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ट्रेल पे, इसके व्यूज और भी अच्छे होते जा रहे हैं, जैसे मतलब थोड़ा सा पास में आ रहे हैं उसके, तो अच्छे एंगल बन रहे हैं अब। और हाइक तो मतलब फ्लैट ही चल रही है अभी, तो इजी हाइक है काफी। मतलब आप में से काफी लोग ये बोलेंगे कि यार ये ग्रेट लेक्स कश्मीर, ऑब्वियसली वैसी वैसी लेक है, लेकिन ये देखिए ना ग्रेट लेक्स कश्मीर आपको 9 दिन ट्रैक करना पड़ता है, यहाँ पे हम 3 घंटे में आ गए यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मतलब हिमालयस में आप जाएंगे रिमोट तो ऐसे भी आपको मिलेंगे, नो डाउट, मैंने भी देखे हैं बहुत, लेकिन वो बहुत हार्ड होता है पहुँचना वहाँ पे, यहाँ पे आसान है, 3 घंटे में हम ऐसे ऐसे व्यूज मिल जाते हैं हमें। चरना माड़ा जहाँ छोटा जहा, मैंने आपको यार ये नहीं बताया कि ये जो ट्रेल है सिर्फ 4 महीने खुलती है, अभी खुली है ये जून में ना, ये ऐसे बंद रहती है बर्फ ज्यादा होती है तो। और मेरे जूते यहाँ पे गीले होने के चांसेस ज्यादा हैं बर्फ से, तो इसलिए मैं यहाँ चल रहा हूँ इधर साइड में। वो देख रहे हैं आप जो जा रहे हैं दो लोग, फिर वो ऊपर खड़े हैं लोग, तो इस पार के भी पार
पता नहीं और कितने पहाड़ आएंगे ऐसे। ओह माय गॉड, मित्रा नु फिर चेक आउट कर दी। या या बिल्कुल भाई, आप कदों ले आ रहे हो अर्जेंट लोनो? फिर अर्जेंट लोनो मारा है तुसी, यहां वीडियो ना तक पहुंचा दो, उन्होंने ने आपे आ जाना। ये थोड़ा सा औखा होने वाला है, मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, बट कोई गल नहीं, आपा चलना इत्थे इत्थे मिट्टी च। तो अगर आपने ऐसे शूज पहने हैं तो कभी भी इस मछली है ये बहुत स्लिप करेंगे, जहाँ पे मिट्टी हो घास हो वहाँ चलिए, वहाँ पे आप स्लिप नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा यही चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, चढ़ाई आप चढ़ जाओगे स्लिप नहीं करोगे, लेकिन जब उतरोगे जैसे हम वहाँ से उतर के आए थोड़ा सा स्लिपरी, बाकी अभी तक वेरी 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 ईजी हाइक, कुछ भी वो नहीं है, आप आराम से अपने स्पोर्ट्स शूज में भी कर सकते हो। थोड़ा सा टाइट रास्ता है बस यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो बहुत देखे हमने अपने इंडिया में तो। और अभी अभी हमने रियलाइज करा है कि वो देख रहे हैं आप वहाँ पे वो लोग जा रहे हैं, तो इसके भी परे जाना है। इत्थो थे फिर उधर, मेरे ख्याल से अभी 20 मिनट का और होगा। ये देखो उन्होंने यहाँ पे लगा रखा है बोर्ड की इधर मत जाओ साइडों में, जो रास्ता बना उस पर जाओ, क्योंकि आप अंदर जा सकते हो बर्फ के। हेलो, तो मेरे ख्याल से अभी वो ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा सा अभी भी है बट ये फ्लैट ही है तो नो सीन, बस मेरी आंखों का दिक्कत हो रही है ये बर्फ़ के कारण ना। एक चीज़ होती है स्नो ब्लाइंडनेस, गूगल करना, तो इसलिए शेड ज़रूरी होते हैं स्नो में जब धूप होती है, तो ये धूप है, मुझे लगा था थोड़ा सा ऐसे अच्छा मौसम होगा लेकिन धूप है आज प्रॉपर, थोड़ी सी दिक्कत कर रही है मेरी आँखों में। अदरवाइज़ जूते मेरे अभी तक गीले नहीं हुए हैं अभी तक, बाकी देखते हैं आगे, थोड़ा सा ही रह गया। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि 1 किलोमीटर रह गया ट्रोलटुंगा। मुबारक हो भाई, इतने स्टॉप लिखा है देखो सामने, इतों ही मुड़ जाना आप इधर न, पता नहीं कितने वो वहाँ जा रहे लोग, वो उत्थे भाजी इंडिया पाकिस्तान सरहद की दोनों तरफ से गोलाबारी होती हुई, पहला गोला और ये इंडिया डिसबैलेंस हो गया था, अरे पाकिस्तान ने वापस वही कैच करके मार दिया, ये तो पाकिस्तान जीत रहा है इसमें। चलो 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 ले वो कैच करिए ने भाजी की करिए ने, आखिरी बम्ब भाजी हूं एक तो फोड़ दो बम्ब, और ये बहुत ही नाजुक स्थान पे मारा है। मेरे ख्याल से सामने ही है वो, मतलब दिख नहीं रहा यहां से पर लग रहा है कि यहीं पे पहुंच ही गए। मेरे ख्याल से 4.5 घंटे लग गए हमें आने में, अगर ये है स्पॉट तो यही है। नहीं ये थोड़ा ना, यही है भाई यही है, देख लो भीड़, मेरे ख्याल से यहाँ पे लाइन लगी होगी, बारी बारी करके फोटो खिंचाओ भाई। अपन 1 बज गया, 4.5 घंटे लगे अपन, 4.5 घंटे में देखो लाइन लगी हुई है। पर ये लाइन लगी है देखो, ये देखो भाई यहाँ पे ये होता है, सब लोग वेट करते हैं लाइन में पीछे, अकेले अकेले जाते हैं, अब दिखाएंगे फोटो में कि वाओ यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और तेरी देखना पवी है, एक्शन मार दे मार दे। ये देखो यार मैं 10 मिनट तो हो गए खड़े हुए लाइन में,
अभी मेरे ख्याल से लगेगा आधा घंटा और, तो 4.5 घंटे की हाइक है और 1 घंटे की वेटिंग है। यार इतने लोग खड़े ना फोटो, पता नहीं क्या क्या पोज मार के, मुझे लगे पोज क्या मारेंगे वहाँ पे जाके। पता नहीं की करन लगी थे, यार इनको 10 मिनट हो गए, पता नहीं क्या कर रही है वहाँ पे, आई नहीं रही वापस। तो देखिए यार सीन क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है इट लुक्स लाइक अ टंग, है ना, जैसे जीव होती है। तो ट्रोल बताया था मैंने आपको कि यहाँ के लोगों की फोकलोर में बोलते हैं कि भाई ट्रोल जैसे येती होते हैं अपने हिमालयस में, वैसे यहाँ पे कुछ जीव है, कोई प्राणी है जो यहाँ पे रहते हैं पहाड़ों में दूर दूर, और उसकी जीव है ये, तो इसलिए इसका नाम है ट्रोल टुंगा। अभी हमें यहाँ खड़े हुए आधा घंटा हो चुका है, हमारी बारी नहीं आई है, आने वाली है बस थोड़ी देर में। तो यार 50 मिनट वेट करने के बाद हमारी बारी आ गई है। लवली पाजी वहाँ खड़े हैं हमारी फ़ोटो खींचने के लिए पीछे, और हम जा रहे हैं नीचे, अभी उसकी बारी है, फिर पाजी जाएंगे, फिर मेरी बारी है, और ये रहा भाई ट्रोल टुंगा। अभी साबी पाजी खड़े हैं वहाँ पे। तो फाइनली हमारी बारी आ गई और हम वहाँ पे अपना कुछ कुछ करके आ गए वापस। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे होगा, मतलब ऐसे अलग से बाहर को क्लिफ सा निकला हुआ, मतलब इरोजन ही होगी किसी तरीके की, और ये टूटे गिर गया होगा मे बी, आई डोंट नो, बट ठीक है। देखो बस इस ये इतनी सी चीज़ ने इसको बना दिया ऐसे टूरिस्ट स्पॉट, मतलब इतनी सी चीज़ और इंस्टाग्राम ने। और जो जहाँ हम रुके थे वो फैमिली, अगर पिछली वीडियो देखी होगी आपने, वो भाई यहाँ पे रहते हैं, उनको 30 साल हो गए रहते हुए, वो नॉर्वेजियन है, और वो बोले मैं आज तक कभी नहीं गया यहाँ पे। तो वही चीज़ है कि कर दी मुर्गी दाल बराबर। तो मतलब लोगों को लगता है इंटरेस्टिंग कि यार ऐसे आएंगे ट्रोल टुंगा पे और ये सब करेंगे, मतलब यहाँ पे लाइन इतनी लंबी था हमने देखा। तो काफ़ी मशहूर डेस्टिनेशन है, मैं अगर बात करूँ कि वर्थ इट है कि नहीं है, टोटली वर्थ इट है, ये जो नज़ारा है टोटली वर्थ इट है। हमारे साथ खर्चा हुआ है शायद 4,500 रुपये या 5,000 रुपये, तो वर्थ इट है मेरे ख्याल से। अगर आप मतलब नॉर्वे आ रहे इतनी दूर इंडिया से कहीं से भी आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल थोड़े से 4,000-5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके यहाँ ज़रूर आइए, काफ़ी काफ़ी सही जगह है।